यस फ्रेंड्स, सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स क्या होता है गूगल एनालिटिक्स में, ठीक है, राइट. जितने भी आपको ये रिपोर्ट दिख रहा है, राइट, जिसमें जो कॉलम के फॉर्म में है, राइट, जो कॉलम के फॉर्म में है और जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे क्या है फ्रेंड्स, मैट्रिक्स है, ठीक है. तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊँगा गोल क्या है मैट्रिक्स का. तो मैट्रिक्स का गोल ये है कि जो भी आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस है, जो भी आपकी मार्केटिंग का परफॉर्मेंस है, वो मेजरेबल फॉर्म में आप मैट्रिक्स की मदद से कर सकते हो. दैट इज़ द पर्पज ऑफ मैट्रिक्स. बेनिफिट क्या है मैट्रिक्स का? तो बेसिकली मैट्रिक्स है या गूगल एनालिटिक्स से आप ये बोल सकते हो कि 80% ऑफ द एक्यूरेसी के साथ नॉर्मली गूगल एनालिटिक्स आपको डेटा देता है, तो आप उसके बेसिस पर जो भी प्रेडिक्शन करोगे उसकी सही होने की संभावना ज़्यादा है, प्रोवाइडेड यू हैव द सफिशिएंट सैंपल साइज. दैट इज आपका जो यूज़र्स है वो मिनिमम 100 होना चाहिए. आप कोई भी प्रेडिक्शन करो तो उसकी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए द मिनिमम सैंपल साइज इज 100. जितनी ज़्यादा सैंपल साइज होगी, जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे या वो डेटा होगा पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए, वो उतना आपकी संभावना सही होने की, आपकी प्रेडिक्शन सही होने की संभावना बढ़ जाएगी. तो बेसिकली कौन कौन से मैट्रिक्स है? तो सबसे पहला है एक्विजिशन. एक्विजिशन में है यूज़र. यूज़र माने कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए इन द गिवन टाइम फ्रेम, ठीक है, ये सारा गिवन टाइम फ्रेम का ही डेटा है. उसके बाद सेशन, तो कितनी बार आपकी वेबसाइट ओपन हुई इन द गिवन टाइम फ्रेम. न्यू यूज़र माने कितने यूज़र पहली बार आए आपकी वेबसाइट पर, अगेन इन द गिवन टाइम फ्रेम. तो ये पूरा है कि आपकी वेबसाइट पर जो सोर्स ऑफ द ट्रैफिक है उसके रिगार्डिंग ये सारा एक्विजिशन है. उसके बाद बिहेवियर. सो बिहेवियर में बाउंस रेट. तो बाउंस रेट मानी आपकी वेबसाइट पर जो विजिटर आया, राइट, वो जो पेज पर लैंड हुआ है वही पेज से अगर वो निकल गया है, राइट, जो पेज से आया है वही पेज से अगर वो निकल गया है, तो वी कैन कंसिडर दैट इज अ बाउंस यूजर, राइट. मानी एक ही पेज उसने विजिट किया है इन नक्शल आपकी वेबसाइट पर. नंबर टू, पेजेस पर सेशन. एक सेशन में मानी एक वेबसाइट यूजर ने ओपन की, वो पर्टिकुलर सेशन में उसने कितनी बार कितने पेजेस को विजिट किया, दैट इज कॉल्ड पेजेस पर सेशन. उसके बाद एवरेज सेशन ड्यूरेशन, मानी आपकी वेबसाइट पर कितना टाइम बिताया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एवरेज सेशन ड्यूरेशन. तो ये जो तीनों के तीनों मैट्रिक्स है वो बेसिकली वेबसाइट पर आने के बाद यूजर ने आपकी वेबसाइट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट किया वो रिप्रेजेंट करते हैं तीनों के तीनों मैट्रिक्स. एंड लास्ट, कन्वर्जन. सो कन्वर्जन में दो टाइप के कन्वर्जन रहते हैं, एक ई कॉमर्स कन्वर्जन है और एक सर्विस वेबसाइट के लिए है. तो सर्विस वेबसाइट के लिए सबसे पहला है गोल कन्वर्जन रेट, मानी 100 यूज़र आए उसमें से कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, ठीक है, 100 यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर 100 सेशंस हुए उसमें से कितने लोगों ने आपकी आपको कांटेक्ट किया, ठीक है. नंबर टू, गोल कंप्लीशन, मानी कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, इसमें कितने परसेंटेज में आपको लोगों ने कांटेक्ट किया, कितने लोगों ने कांटेक्ट किया. और गोल वैल्यू, सो आप गोल वैल्यू को एडमिन में जाकर गोल के सेक्शन में ऐड कर सकते हो एज पर योर प्रॉफिट पर लीड, राइट, और यहाँ पर आपको वो नंबर दिखेगा. तो ये सारे मैट्रिक्स है बेसिकली जो आपको हेल्प करता है प्रेडिक्शन लेने में, राइट, प्रेडिक्शन देने में. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये मैट्रिक्स की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. ई कॉमर्स की है तो उसमें ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट, मानी 100 यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पर 100 सेशंस होते हैं तो उसमें से ऑन एन एवरेज कितने लोग आपके वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, ठीक है. उसके बाद ट्रांजेक्शन, मानी कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट से परचेस किया इन द गिवन टाइम फ्रेम. एंड नंबर थ्री, कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई, राइट. तो दीज आर द मैट्रिक्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है फ्रेंड्स. ये मैट्रिक्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये नंबर आपको क्लियरली पता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो पता है, तो उसका प्लस माइनस से आप एक्शन आइटम उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हो, ठीक है. उसके बाद है कि अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है मैट्रिक्स को परफेक्टली मैट्रिक्स के बेसिस पर एक्शन आइटम बनाने के लिए, तो आपको अलर्ट सेट करनी है, राइट. आप अगर एडमिन में जाओगे, राइट, और एडमिन में जाने के बाद व्यू के सेक्शन में अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको अलर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, राइट, जिसमें आप अलर्ट को बना सकते हो, ठीक है. यहाँ से आपको बेसिकली अलर्ट का ऑप्शन मिलता है, राइट, जिसे आप बना सकते हो. तो यहाँ पर आप जो अलर्ट है वो कौन कौन सी अलर्ट हो सकती है, तो विजिटर्स कम हुए ज़्यादा हुए, गोल कंप्लीशन कम हुए ज़्यादा हुए, राइट, और एवरेज सेशन ड्यूरेशन है वो कम हुआ ज़्यादा हुआ, राइट. तो ये तीनों के बेसिस पर आप अलर्ट को बना सकते हो. एंड लास्ट की KPI क्या है, तो जब भी 20% अप या डाउन होता है तो आपको उसके बेसिस पर एक्शन आइटम बनानी है, दैट इज़ द की परफॉर्मेंस इंडेक्स. आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. आने वाले वीडियो में हम और गूगल एनालिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.